सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट हुआ है, जो वीडियो अपलोड की थी उसको डिलीट करना पड़ा। रीज़न बीइंग ना, वीडियो ढंग से चल पाई थी उसमें और ऑडियो भी बहुत ख़राब रिकॉर्ड हुई थी। तो फिर से हम इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं एक बार फिर से। तो इसमें टेस्ट ही है, टेस्ट नंबर सेकंड है आपका, यूनिट सेकंड ही है इसका। और टर्म्स एंड कंडीशन सेम वाली हैं जो पिछले लेक्चर में थी। 20 क्वेश्चंस होंगे आज और टॉपिक्स आपके हैं यहाँ पर एंजाइटी डिसऑर्डर्स। बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन पे हैं कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैटर्न वही रहेगा कि 20 सेकेंड मिलेंगे आपको आफ्टर एवरी क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको 20 सेकेंड मिलेंगे और आपको उसी में जवाब देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट आपको। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। सॉरी, एक सेकेंड, इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ये क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? विच सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव व्यूज सोसाइटी एज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम कंपोज ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द दैट वर्क टुगेदर टू प्रमोट स्टेबिलिटी एंड हार्मनी। और आपके ऑप्शंस हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड फेमिनिस्ट थ्योरी। और आपका टाइम शुरू होता है अब। समय सीमा यहाँ पर समाप्त होती है और आपका आंसर है यहाँ पर, दैट इज़ योर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। इसकी सिंपल डेफिनेशन को भी आप अगर एक बार रिवाइज कर लोगे या रिमाइंड कर लोगे तो मुझे लगता है आपको इसका जवाब मिल जाएगा। यहाँ पर हमने बताया था ना, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में क्या होगा कि हर एलिमेंट ऑफ सोसाइटी, जो भी सोसाइटी का एलिमेंट है, हर कोई अपनी ड्यूटी कर रहा है या हर इंडिया एलिमेंट उसका पार्टिसिपेट कर रहा है इन ऑर्डर टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा कि सोसाइटी की स्टेबिलिटी बन जाएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दैट एग्जामिन हाउ सोसाइटी इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप्स दैट कॉम्पीट फॉर रिसोर्सेस। तो आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म एंड फेमिनिस्ट थ्योरी। और आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। और आपका आंसर है यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव या कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। ठीक है, बताया था ना कॉन्फ्लिक्ट किसने दी थी? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि कंपटीशन रहेगा बिटवीन टू सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। एक वो होगी जो रिसोर्सेज ओन करके रखेगी और दूसरी जो होगी जो उनके लिए स्ट्रगल करेगी। ठीक है, इसी कॉन्फ्रेंटेशन में एक टाइम ऐसे आएगा जो स्ट्रगल करने वाली पार्टी है वो जीत जाएगी और वो रिसोर्सेज पे अपना कंट्रोल ले लेगी और एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं, स्टेबिलिटी को हम बोलते हैं एक चेंज आ जाएगा, जिसको हम लॉन्ग टर्म में क्या कहते हैं, एक सोशल चेंज आ जाएगा।
आई होप ये सब आपको याद होगा या इन क्वेश्चंस के थ्रू हम रिवाइज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, सोशल लर्निंग थ्योरी क्या सजेस्ट कर रही है हमें, दैट बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। ऑप्शंस क्या हैं आपके पास, जेनेटिक फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, इनेट फैक्टर, इंस्टिंक्ट्स एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। और आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। और आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, दैट इज योर एनवायरमेंटल कंडीशंस। ये पढ़ा था ना हमने थ्योरी में, एनवायरमेंटल कंडीशंस बहुत हेल्पफुल, मतलब आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने में उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी क्या सजेस्ट कर रही है हमें, दैट इज योर ऑप्शंस क्या है यहाँ पर, रिजॉल्विंग अर्ली चाइल्डहुड कॉन्फ्लिक्ट्स, सेकेंड इज योर चेंजिंग अनकॉन्शियस ड्राइवर्स, थर्ड पार्ट इज योर मॉडिफाइंग सोशलाइजेशन पैटर्न्स, एंड फोर्थ इज योर डेवलपिंग कॉग्निटिव इंसाइट्स। ठीक है, और टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। समय सीमा समाप्त हुई और आपका जवाब यहाँ पर है, दैट इज योर रिजॉल्विंग अर्ली चाइल्डहुड कॉन्फ्लिक्ट्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू फ्रूड्स साइको एनालिटिक थ्योरी, तो माइंड इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दीज पार्ट्स। तो ये हमने सबसे पहले थ्योरी की थी, उसमें तीन एजेंट्स बताए थे मैंने, ठीक है, दैट इज योर ईगो, सुपर ईगो एंड इड। सबकॉन्शियस वहां पर नहीं था ना, तो सबकॉन्शियस यहाँ पर आपका आंसर में नहीं होगा, और यहाँ नॉट पूछा है तो सबकॉन्शियस ही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रूड बिलीव दैट अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रिप्रेस डिजायर कुड लीड टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ही रेफर टू दिस एज ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, साइकोसेक्सुअल फिक्सेशन एंड न्यूरोसिस। और टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। और टाइम्स अप। और आपका आंसर यहाँ पर क्या है, न्यूरोसिस। ठीक है, ये रहा, ये आप रिवीजन करोगे थ्योरीज की तो आपको याद आ जाएंगी चीज़ें। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लुकिंग ग्लास थ्योरी किसने दी थी, ये तो आपको अब मुझे लग रहा है आपको पता ही होना चाहिए, इसमें सोचने वाला कुछ नहीं है, दैट इज योर सी एच कूले, यही आपके आंसर है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एरिक एरिक्सन्स की थ्योरी क्या, कौन सी वाली, साइको सोशल डेवलपमेंट इंक्लूड्स हाउ मेनी स्टेजेस, एंड योर ऑप्शंस आर 3, 5, 7 एंड 9। और टाइम स्टार्ट हो गया अब। टाइम्स अप। और आंसर क्या है इसका, 7 स्टेजेस। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कूले की लुकिंग ग्लास थ्योरी किससे रिलेटेड है, क्या कंसेप्ट है उसके पीछे, एंड ऑप्शंस आर योर सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ आइडेंटिटी। और आपके आपका टाइम शुरू होता है अब।
समय सीमा समाप्त हुई और आपका आंसर है यहाँ पर सेल्फ एस्टीम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर। किसके लिए क्रिटिसाइज किया जाता है इस थ्योरी को? क्रिटिसिज्म करवाए थे ना मैंने इसके, तो कर लो चेक। ओवर एम्फेसाइजिंग द रोल ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, अंडर एम्फेसाइजिंग द रोल ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स, लैकिंग एम्पेरिकल एविडेंसेस, या ऑल ऑफ द थ्री। चारों, मतलब ये तीनों। और टाइम शुरू हो चुका था आपका। टाइम्स अप। और आपका आंसर है यहाँ पर लैकिंग एम्पेरिकल एविडेंसेस। क्लियर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, योर एंजाइटी डिसऑर्डर्स आर कैरेक्टराइज बाय। ऑप्शंस आर इंटेंस फेयर एंड वरी, बी मूड स्विंग्स, हेलुसिनेशंस एंड मेमोरी लॉस। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। एंड योर आंसर इज इंटेंस फेयर एंड वरी। क्लियर। एक सॉरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? द मोस्ट कॉमन एंजाइटी डिसऑर्डर इज। ऑप्शंस क्या है आपके? जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर एंड ऑब्जेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप गाइस। और आपका आंसर यहाँ पर क्या है इन चारों में से? दैट इज योर, क्या क्वेश्चन है? कॉमन एंजाइटी डिसऑर्डर। तो कौन सा है इसमें से? जीएडी, दैट इज योर जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या कहता है? पैनिक डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज बाय। और आपके पास ऑप्शंस क्या है? परसिस्टेंट वरी, रिकरेंट पैनिक अटैक्स, ऑब्सेशन एंड कंपल्शन एंड फ्लैशबैक एंड नाइटमेयर्स। और आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। और आपका आंसर यहाँ पर क्या है? दैट इज योर रेकरेंट पैनिक अटैक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है, इज कैरेक्टराइज बाय। किससे होगा? दैट इज योर ऑप्शंस क्या है यहाँ पर? एक्सेसिव वरी अबाउट स्पेसिफिक सब ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशंस। नेक्स्ट, रेकरेंट पैनिक अटैक्स। थर्ड, फेयर ऑफ सोशल सिचुएशन एंड स्क्रूटनी। एंड डी इज योर इंट्रूसिव एंड अनवांटेड थॉट्स। और टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। टाइम्स अप। और आपका आंसर है यहाँ पर, दैट इज योर फेयर ऑफ सोशल सिचुएशंस एंड स्क्रूटिनी। आप थ्योरी के नाम से ही इस चीज को ट्रेस कर सकते हो यहाँ पर। एक सेकेंड,
कहाँ पर है? यहाँ पर क्या है आपके पास? सोशल, और यहाँ पर ऑप्शन में भी था सोशल सिचुएशंस, मतलब सोशल कंडीशंस, तो आपको यहीं से आंसर मिल जाना चाहिए। दैट इज़ योर आंसर इज सोशल फेयर ऑफ सोशल सिचुएशंस एंड स्क्रूटिनी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी इज कैरेक्टराइज बाय, किस किस से हो सकता है? एक्सेसिव वरी अबाउट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स, रिकरेंट पैनिक अटैक्स, फेयर ऑफ सोशल सिचुएशन एंड स्क्रूटनी, एंड योर इंट्रूसिव एंड अनवांटेड थॉट्स। तो आपका समय शुरू होता है अब। एक ऑप्शन तो आप यहीं पर क्रॉस कर सकते हो, क्योंकि हमने ये पिछली थ्योरी में देखा है, ये तो नहीं होगा। तो बाकी तीन में से देख लो। समय सीमा समाप्त। अब देखते हैं इसका जवाब, और वो है आपका इंट्रूसिव एंड अनवांटेड थॉट्स। ये है आपका जवाब, आंसर। ठीक है, अनवांटेड वर्ड है, इसको रिलेट कर लो आप कंपल्शन से। कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो जाती है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये थेरी है पीटीएसडी, दैट इज योर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ट्रॉमा होने के बाद की सिचुएशन। तो ये कब होने के चांसेस हो जाते हैं? आफ्टर या तो पैनिक अटैक हुआ होगा, या प्लान अनप्लेजेंट ड्रीम होगा, या कोई ट्रॉमेटिक इवेंट होगा, या फिर सोशल इंटरेक्शन होगी। और समय शुरू होता है आपका अब। सिंपल है, अभी तो समझा दिया मैंने, नाम में आपको दिख रहा है। जल्दी से जवाब दीजिएगा इस, यहाँ पर घंटी भी बज चुकी है, और आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑब्वियसली ट्रॉमेटिक इवेंट होगा एक। ठीक है, उसके बाद ही आपको पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगोरफोबिया इज कैरेक्टराइज बाय, अगोरफोबिया इज कैरेक्टराइज बाय, एंड योर ऑप्शंस आर फेयर ऑफ हाइट, फेयर ऑफ क्लोज स्पेसेस, फेयर ऑफ ओपन स्पेसेस, फेयर ऑफ सोशल सिचुएशन। और आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। और आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? दैट इज योर फेयर ऑफ ओपन स्पेसेस एंड क्राउडेड प्लेसेस। क्लियर? ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दैट इज योर स्पेसिफिक फोबिया इन्वॉल्व, स्पेसिफिक फोबिया में क्या होगा? एंड योर ऑप्शंस आर फेयर ऑफ सोशल सिचुएशंस, फेयर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशन, फेयर ऑफ ओपन स्पेसेस एंड फेयर ऑफ बॉडीली हार्म। तो यहाँ पर भी देखो टाइम स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर भी देखो आप ओपन स्पेसेस वाला ऑप्शन तो यहाँ पर आप कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि हमने ये पिछले ही क्वेश्चन में किया है। बाकी तीन में से देखिए, वर्ड में दिख रहा है यार आंसर, ये रहा स्पेसिफिक आपका, और यहाँ पर भी दिख गया आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को लेके। अगर फोबिया है कोई तो स्पेसिफिक चीज़ों को लेके होगा। ठीक है, तो ये है आपका आंसर, दैट इज़ योर बी पार्ट, ये रहा फेयर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज बाय, एंड योर ऑप्शंस आर इंटेंस फियर एंड वरी अबाउट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशन, रिकरेंट पैनिक अटैक्स, फियर ऑफ सोशल सिचुएशंस, क्रॉनिक एंड एक्सेसिव वरी अबाउट वेरियस थिंग्स। और टाइम स्टार्ट होता है अब। नाम को ध्यान से पढ़ोगे आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा पढ़ लोगे, इसीलिए आपको टाइम दिया जा रहा है। ये 20-20 सेकंड का, जो हर क्वेश्चन रीड आउट करने के बाद भी आपको 20 सेकंड दिए जा रहे हैं, तो ये इसीलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन को रीड कर लो। यहाँ पर समय भी आपका समाप्त हो गया है, और आपका आंसर क्या है? ऑब्वियसली डी पार्ट होगा, जहाँ पर क्या होगी? एक्सेसिव वरी दिख रही है। जनरलाइज एंजाइटी पूछा है ना, तो वहाँ पर क्या होगा?
बिना बात का, जहाँ पर आपको टेंशन लेने की नीड भी नहीं है, वहाँ पर भी आपको उसके रिगार्डिंग वरी होती रहेगी, टेंस टेंस बना रहेगा माइंड में, क्लियर? तो ये है इसका आंसर, दैट इज़ योर डी पार्ट, क्रोनिक एंड एक्सेसिव वरी अबाउट वेरियस थिंग्स, क्लियर? लास्ट क्वेश्चन है आज का ये शायद से, देख लेंगे इसके बाद अगर कोई हुआ तो कर लेंगे सॉल्व, अदरवाइज यही मुझे लग रहा है लास्ट क्वेश्चन है। दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइटी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज बाई अनवॉन्टेड एंड इंट्रोसिव थाट्स एज वेल एज रेपिटेटिव बिहेवियर्स। और आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर एंड योर OCD। और आपका समय समाप्त समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। और आपका आंसर है यहाँ पर, दैट इज़ योर OCD। ऑब्सेसिव है, कंपल्सिव है, नाम ही बता रहा है, मतलब अनवांटेड इंट्रोसिव थॉट्स चलते रहेंगे माइंड में ऑन रिपीटेटिव बिहेवियर। ठीक है, तो इसके बाद चेक करते हैं। तो हाँ जी, आज के क्वेश्चंस हो गए हैं यहाँ पर ख़त्म। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइस। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना स्कोर बताइए कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं आउट ऑफ 20। ठीक है, इस तरह से बता देना मुझे। और एक ही चीज़ बोलूँगा फिर से, रिवीजन करते रहिए गाइस। रिवीजन इज़ द टूल टू क्रैक एनी एग्ज़ाम, एनी एग्ज़ाम। आप किसी भी एग्ज़ाम को अगर क्लियर करना चाहते हो तो रिवीजन इज़ मस्ट। रिवीजन के साथ आपको मॉक्स लगाने ज़रूरी हैं, ठीक है? और फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रहती है तो ये रहा आपका हेल्पलाइन नंबर। ट्राई करना 11 PM से पहले पहले ही कॉल कर लेना, क्योंकि इसके बाद आपका ही मटेरियल रेडी करना होता है, स्लाइड्स बनानी होती है, वेरियस सोर्सेज देखने पड़ते हैं, नंबर ऑफ बुक्स को कंसल्ट करना पड़ता है, फिर आपका मटेरियल रेडी किया जाता है और फिर आपके सामने ये लेक्चर प्रेजेंट किया जाता है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आपके ये टेस्ट खत्म, यहाँ सेकेंड चैप्टर के टेस्ट यहाँ पर ख़त्म हुआ है, कल हम करेंगे यूनिट नंबर 3 स्टार्ट, दैट इज़ योर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, और जो मैंने आपको शुरू में बताया था सेकेंड यूनिट में कि फर्स्ट सेकेंड यूनिट में ही ह्यूमन राइट्स का टॉपिक हमने जो वहाँ पर थोड़ा छोड़ा था वो हम कल कर लेंगे, और 3rd चैप्टर आपका कल से शुरू हो जाएगा। ओके गाइस, गुड नाइट, और पढ़िए आप, कोई कन्फ्यूज़न होगी तो कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना कहीं पर भी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। बाय बाय।